हम जनसंख्या की जानकारी के लिए आए हैं। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? जनगणना विभाग से आए। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? क्यों भाई, इतने लोगों को एक साथ किसने मारा? वही समझ में नहीं आ रहा है सर। गले की चेन के लिए गले को, हाथ की अंगूठी के लिए हाथ को काटने वाला आदमी इंसान नहीं हो सकता सर। मतलब सिर्फ गोल्ड के लिए इतने लोगों को मार डाला क्या? वो इंसान नहीं हो सकता, इंसान के भेष में छुपा हुआ भेड़िया हो सकता है। छह, वो सब छोड़ो, कोई क्लू मिला है क्या? नहीं सर। कैसे मिलेगा, आजकल के अपराधी क्लू छोड़ते ही कहाँ है। सर प्रेस वाले भी आ गए सर। क्या करूँ इनका, इनसे बच भी तो नहीं सकते। मैं उन्हें किसी भी तरह हैंडल कर लूंगा, तुम बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। देखते हैं शायद कोई क्लू मिल ही जाए। बॉडी को एम्बुलेंस में चढ़ाओ जल्दी। सर ऐसे माहौल में भी आप इतने कूल हो, मतलब आपको कोई फिक्र नहीं है। ओहो, फिक्र मतलब आपके कैमरे में मुंह घुसा के टाइट क्लोज में आके, वो हत्यारे कोई भी हो चाहे कितने भी बड़े हो, उन्हें जब तक पकड़ नहीं लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। ऐसे सिनेमेटिक डायलॉग बोलूं तब समझ में आएगा क्या? ये सब मुझे नहीं आता है। इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है सर? और उन्हें कितने दिनों में पकड़ सकते हैं ये बताएंगे? इस संगठन के पीछे कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है क्या सर? हेलो हेलो हेलो, तुम लोग थोड़ा रुकोगे? पूछने के लिए आरोप काफी है, लेकिन किसी बात का जवाब देने के लिए माइंड में सोच होनी चाहिए। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वी नीड सम टाइम, तब तक थोड़ा सब्र रखिए आप लोग। गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर, मैं पर्सनली परस्यू कर रहा हूँ सर। पिछले दो दिनों से सर मैं इसी केस पे लगा हूँ। यस सर, मैं इन्फॉर्म करूंगा सर। नहीं सर, मैं इन्फॉर्म करूंगा। इतने लोगों की हत्या एक साथ कैसे हुई? वो एक के बाद एक फोन कर करके सुना रहे हैं। अगर कोई बात पता चलती तो जरूर बताता सर, एक क्लू भी नहीं मिला। एटलीस्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई क्लू मिले इसका वेट कर रहे हैं सर। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है सर। इस रिपोर्ट के अनुसार 15 लोगों की मौत एक ही साथ हुई है, पर मुद्दा यह है कि ये 15 लोग एक घर के नहीं हैं, अलग अलग घर के हैं। सभी एक ही समय पर मारे गए हैं, मतलब जरूर वो भी 15 लोग होंगे। इसे जल्दी सॉल्व करना होगा, मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। एक या दो लोगों को पकड़ना मुश्किल होता है सर, ये तो पूरी गैंग है, जल्दी पकड़ लूंगा। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, पुष्प समर्पित कीजिए, उसके बाद अक्षत समर्पित कीजिए, तत्पश्चात ध्यान लगाइए, शुभ लगने सावधान, अक्षत लीजिए और समर्पित कीजिए। ये लीजिए, इदम मुहूर्त शुभम करोति। यदि मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो अच्छी वाइब्रेशंस कैसे आएंगी? शुभम करोति कल्याणम।
क्यों बेटा, कल ही तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरी बेटी को पूरी तरह भूल जाओगे। 80% तो भूल गया हूँ, लेकिन मुझसे प्यार करके किसी और से शादी करने वाले की शक्ल कैसी होगी ये देखने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पे हल्ला मत करो बेटा, बाकी 20% भूलने के लिए मैं क्या करूँ बताओ। मेरे लिए ड्रिंक लेके आओ, पी के भूल जाऊंगा इसे। यहाँ पे अच्छा नहीं होगा बेटा, बुलाना है तो बोलो, पीना पड़ेगा वरना मंगलसूत्र पहनाऊंगा। तुम ऐसा मत करो बेटा, उसे भूलने का बंदोबस्त मैं करता हूँ, तब तक तुम पीते रहो। ये रे बेटा, सब तुम्हारे लिए ही है, पियो बेटा पियो। उसके बाद अक्षत समर्पित की कंचना मनुपूर्व तेरी तो गणेश पूर्व। वो अक्षत इधर ला बे, खुश रहे। तुम लड़कियां तो हमेशा खुशी रहती हो, हम लड़के लोग ही मर जाते हैं। पगाड़ आदत है क्या? नहीं है जी। तो फिर देते ही ले क्यों लिया? इधर ला, बजाओ रे। पापा। हाँ आ रहा हूँ। पापा बीच में क्यों खड़े हो, हट जाओ। क्यों रे, फिर से पीकर आया है? कांचना की शादी हो गई पापा, इसलिए पीकर आ गया। तेरी माँ ने तेरे पैदा होता ही ये मुसीबत मेरे सर पर डाल दी, मैं कब तक इसे झेलूंगा पता नहीं। क्यों रे, शर्म नहीं आती है तुझे? कंचना की शादी हो गई, कामाक्षी की शादी हो गई, कहके रोज जितना मन होता है उतना पीता रहता है। घर पे तेरा एक बाप बैठा है, वो बेचारा अकेला होगा, ऐसा तेरे दिमाग में कभी नहीं आता है क्या? छे, क्या मुसीबत है। ठीक है चलो पीते हैं। ये क्या, अब तक तो जी भर के डांट दिया और अब बेटा हूँ ये याद आया क्या? अरे जो भी हो, आखिर हूँ तो तेरा बाप ही ना। अरे डांटा ही तो है। वैसे भी तू क्यों दुखी होता है, तू मेरी तरह बदसूरत है क्या? अरे तू तो अपनी माँ की तरह इतना खूबसूरत है और पूरे गांव में अकेला ही ऐसा है, तू क्यों दुखी होता है भला? सब पता हो के भी कुछ भी बात करते हो, सब कुछ खो देने का दुख आपको क्या पता है? अरे ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए तो तेरी फोटो आसपास के गाँव में भिजवा दी है। और किसी को तेरी फोटो बहुत पसंद आई है, पंडित जी बता रहे थे कि वो लोग कल सुबह ही आ जाएंगे, इसीलिए आज थोड़ा कम पीना और जल्दी सो जाना। अरे निकलो पापा, सह नहीं पा रहा हूँ मैं, उल्टी हो रही है। क्यों इतना बुरा दिख रहा हूँ क्या? अच्छा आप तो बहुत ही सुंदर हो ना, कपड़े तो देखो आपके। क्या खराबी है इनमें, बकबक करता है। पापा हमें लड़की वालों के घर पे जाना चाहिए ना, ये क्या वो हमारे घर पे आ रहे हैं? लड़की नहीं आ रही है यहाँ, उसका बाप आ रहा है, वो हमारे घर की स्थिति और हमारी समृद्धि देखना चाहते हैं। ये तो कमाल हो गया, इसके लिए सुबह सुबह मुझे तैयार क्यों किया और बेवजह रात को कम पीनी पड़ी। आपको तो पता है ना मेरी रोज रात की आदत। क्या यार, तुमने जितनी पी उससे कम मैंने पी थी यार। ठीक है, ये लो पंडित जी भी आ गए। आइए पंडित जी आइए, वो नहीं दिख रहे। क्या पिताजी सुबह से फोन उठा ही नहीं रहे, शायद उन्हें आपके बेटे के बारे में पता करके रिश्ता न करने का मन किया। क्या है मेरे बारे में जानने लायक? हाँ हाँ यही कर लो, खूब शराब पियो और उसके बाद लोगों को डरा धमका के उन पे हाथ उठाओ। हाथ नीचे करिए, जहाँ मन करता उठाता है। चलिए छोड़िए इसे पंडित जी, और कोई रिश्ता पास में हो तो बताइए। मेरे पास में हाँ चुंद्रूपल्ली में एक रिश्ता है, बोलो जाएंगे क्या? पंडित जी हमें इन सब की क्या जरूरत है, लड़की को बुलवाइए ना। अरे सुनो लड़की को ले आओ। हाँ हाँ। क्यों रे कैसी है? सुवर्णा तुम यहाँ? हमारी बेटी है। मेरा बेटा? पापा आपने तो मुझे बहुत बड़ा झटका दे दिया। तू ऐसे मेरी ओर मत देख, मुझे अजीब सा लग रहा है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेला था, इसलिए एक दिन अंधेरी रात में। अजी!
घर की मुसीबत मेरे पिता के रूप में मेरी आंखों के सामने होने पर मेरी जिंदगी ऐसी नहीं तो कैसी होगी, हमेशा दुखी तो रहूंगा ना। चलिए ऐसे समय में दिल को पत्थर की तरह मजबूत कर लेना चाहिए। रुकिए, तुम लोग कहाँ जा रही हो? इतने दिनों तक ये नहीं थे इसलिए यहाँ रह रही थी बेटा, अब जब इनका पता चल गया है तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। तो है ठीक है, अब चलिए। चल चल, संभल कर चलना सुवर्णा। भैया नहीं, मुझे नहीं, भैया आपको ही। देखो लड़की, मैंने तुमको कल ही देखा, मुझे तुम ऐसे मत बुलाया करो, मुझे कुछ दिन तो लगेंगे ही ना, मेरी बहन ही हो ना, तो तुम्हें बहन के रूप में ही स्वीकारूंगा, ठीक है? अब क्या है? वो कॉलेज गांव के बहुत पास था, यहाँ बस से जाना होगा, मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे? छोड़ना ही पड़ेगा, चलो। वैसे क्या पढ़ रही हो? डिग्री। बाप रे, अब डिग्री पढ़ के क्या कर लोगी? रिश्ता देख रहे थे तब पढ़ाई छोड़ने का सोच रही थी, पर अब क्या करे भैया, बेरोजगार पिता बिना नौकरी का भैया, इसलिए फिर से पढ़ रही हूँ। ए छी, उतरो। इसलिए मुझे पढ़ाई करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ए, पढ़ना है तो पढ़ो, पर मुझे गुस्सा मत आने देना, एक खींच के दूंगा तो मुंह फट जाएगा। हद तेरी तो, जाओ यहाँ से। जाओ। शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ, और इसकी पढ़ाई की मुसीबत, दूसरी लड़की कहाँ मिलेगी पता नहीं। पहले ही शुरू कर दिया। मुझे बताएगा तू अभी कहाँ से आ रहा है? आपको बताने के लिए, आप कोई बहुत बड़े जिम्मेदार बाप नहीं हो। हाँ? और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार बेटा हूँ। अब पैक बनाओ। हाँ? मैं आता हूँ, फ्रेश होकर, बड़े आए जानने वाले। बढ़िया, बहुत बोल रहा है। ये लो, डालो। आपकी बेटी कहाँ है? वो तो अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही है। अच्छा, उसका इस बीच पढ़ना बहुत ज्यादा ही हो गया है। ये क्या ऑमलेट के बिना ही ड्रिंक कर रहे हो? आपकी बीवी को ऑमलेट बनाने को बोलो। सुवर्णा। हाँ। सुवर्णा। हाँ, आ रही हूँ जी। आ रही है, देखो इसके लिए एक ऑमलेट लेकर आओ। अंडे नहीं है जी, खत्म हो गए हैं। अरे ये क्या, कल ही तो मैं एक डजन लेके आया था। ये तो दोपहर से पी रहे है ना बेटा। अरे वो अंडे क्या, हम लोग पिछली बातें कर रहे थे, खाते पीते सब अंडे खत्म हो गए और क्या। है ना सुवर्णा, घर पे कोई नहीं था, भयंकर तूफान। तुम और मैं और एकदम अंधेरा। अरे रोक दो। आप दोनों की प्रेम कहानी देख नहीं सकता, और वैसे भी मैं आप दोनों के बीच में क्या कर रहा हूँ, मैं जाके अंडे ले आता हूँ। नहीं, बाप को अकेला छोड़ के चले जाओगे बेटा। ये और इनकी बुढ़ापे की प्रेम कहानी। आंगनवाड़ी केंद्र, यहाँ पर जरूर अंडे मिल सकते हैं, आपके पास अंडे होंगे तो देंगे क्या? माता जी लगता है अभी बेचारी नींद से उठी है। आपके पास अंडे होंगे तो देंगी क्या? यहाँ पर तुम जैसे शराबियों के लिए देने के लिए नहीं है, गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए दिए जाते हैं। अच्छा है, आप जैसों की वजह से ही इस गांव का उद्धार होता है। आप अंदर जाइए, 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 अंदर जाइए, जाइए। शराबी। हे भगवान, अगली बार ऐसे लोगों के पास नहीं जाऊंगा रे बाबा। ये अब तक बाहर क्यों बैठी है? देख लिया लगता है इसने मुझे, क्या करूं? इससे बात करने की कोशिश करूं क्या? ऐसे यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो? मैंने तुम्हें कब का देख लिया है। ओह, देख लिया क्या? ऐसे बाहर क्यों बैठी हो? घर में करंट नहीं है। अच्छा, गांव में तो सबके पास है, तुम्हारे घर पर क्यों नहीं है? पता नहीं, आके देखूं क्या? देखो। फ्यूज कहाँ है? वहाँ पर।
फ्यूज गया था बस। ठीक है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? सीधे सीधे अंदर आओ, ऐसा पूछ सकते हो ना, बहाना बनाने की क्या जरूरत है? वो अभी तो परिचय हुआ है ना, ऐसे कैसे अंदर आ जाऊं? कोई बात नहीं, आ जाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पार्वती। तो फिर मेरा नाम नहीं पूछोगी? बताओ। कोटेश्वर राव, बाल कोटेश्वर राव। वैसे घर में और कौन कौन है? जब मैं छोटी थी तभी माँ मर गई थी, दादी की तबीयत खराब है इसलिए पापा गाँव गए हुए हैं। वैसे इतने दिन तुम दिखी नहीं मुझे। जो खाली बैठे रहते हैं उन्हें गांव देखने की फुर्सत नहीं होती, पर सारा गांव उन्हें हमेशा देखता है। तो फिर तुमने मुझे पहले ही देख लिया है। हाँ देखा है। वैसे इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोज रात को मुझे पीने के साथ गर्मा गर्म ऑमलेट खाने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। घर पे अंडे खत्म हो गए इसलिए मैं बाहर आ गया। अंडा तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, पर रुको मैं ऑमलेट बनाकर देती हूँ। हेलो, ऑमलेट तो ठीक है पर ड्रिंक भी तो होना चाहिए। वहाँ पर मेरे पापा का है, ले लो। तुम्हारी कोई रोक ठोक तो नहीं है ना? अगर होती तो तुम्हें कहती क्या? मर्द को अगर मर्द रास्ता दे तो वो रुकता नहीं है, अगर औरत रास्ता दे तो मर्द रुकेगा क्या? वैसे ड्रिंक कहाँ है? ये क्या, रात को मैं यहीं पर सोया था क्या? हाँ यहीं सोए थे। ओ, मतलब ज्यादा ही पी ली यहीं पे मैंने, गलत मत समझना। गलत समझती तो चिल्लाती ना, तुम्हारे उठते ही ऐसे मुस्कुराती थोड़े ही। वैसे यहाँ पर एक ही पलंग है, तो रात में तुम कहाँ सोई थी? और कहाँ पर सोती, तुम्हारे बगल में ही सोई थी। अच्छा, पता होता तो इतना नहीं पीता ना। ठीक है मैं चलती हूँ, हाँ कॉलेज का टाइम हो रहा है, तुम जाते समय चाबी वहाँ खिड़की के पास रख देना, भूलना मत। बाहर जाने से पहले मुंह धो लेना, पी पी कर कितना फूल गया है। ठीक है। बाप रे कितनी पी ली मैंने, पता नहीं उस लड़की ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। ये ऐसे हिल क्यों रहा है? पीते वक्त थोड़ा संभालना यार। क्यों रे, कैसा है तू? अच्छा तू वहाँ से क्यों आ रहा है? रात को ज्यादा पी के कहाँ सो गया था पता ही नहीं चला, मेरा घर समझ के यहीं पर सो गया। सर दर्द से फटा जा रहा है यार, चाय पीते हैं यार। ठीक है चल, हमें बहुत सारे काम है। बाप रे बहुत भारी हो गया है और जोर लगाना पड़ेगा। तू हफ्ते भर से मुझे दिखाई नहीं। क्या बताऊं यार अपनी तकलीफ, घर वाले भाषण दे रहे थे वो सह नहीं पाया और तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। लगता है घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब जो भी हो यार। कौन है रे? अबे तेरी तो, कौन है ये गाँव में इतना स्पीड में चला रहा है? अरे चंदू। ये कौन है? अबे तू है क्या? तुझे कार की क्या जरूरत है, सेकंड हैंड है क्या? सोच रहा हूँ कि हैदराबाद जाकर टैक्सी के बिजनेस में अपनी कार लगाकर मैं ड्राइवर बन जाऊँ। गांव में कुछ नहीं कर पाया तो ड्राइविंग करके क्या करेगा? चल ठीक है उतर, ऐसे ही ग्राउंड लगाते हैं। ए मरम्मा चला जा। आराम से चलाना भाई, लोन पे कार खरीदी है मैंने। पुलिस वाले कहाँ से आ गए यार? अरे पुलिस वाले, तुझे पता नहीं क्या किया होगा। ये कार किसकी है? मेरी है सर। ए तू जा। क्यों रे सुबह सुबह ही दारू पी लिया क्या? सुबह सुबह क्यों पियेंगे सर, रात की ही अभी तक नहीं उतरी है। ए तू इधर आ। आ बे। अरे मार दिया रे। क्या काम करते हो तुम दोनों? काम करने के भी उम्र कहाँ हुई है सर। हराम का खा के गेंडे जैसे बड़े हो गए हो, अभी तुम्हारी काम करने की उम्र नहीं हुई है। तुम जैसे लफंगों से बात करना ही बेवकूफी है। ए रामकृष्ण जीप में डालो इन्हें। सर क्यों सर? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, एक बार जरा अपना गांव तो दिखाओ। देखो गांव में लूटने वाला एक चोरों का झुंड गांव में आने वाला है, इसलिए थोड़ा संभल के रहो। अगर गांव में कोई नया दिखाई दे, अगर किसी पे कोई भी शक हो तो ये लो मेरे नंबर पे फोन करना। ओके हाँ ठीक है सर। रामकृष्णा गाड़ी निकालो।
वैसे भी हमारे गांव में कौन आएगा? ये ले पकड़। कहां पे रखूं इसे? क्या करूं मैं इसका? ये क्या, ये ऐसे क्यों देख के जा रही है? पार्वती, 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 ओए पार्वती, कहाँ चली गई? ओ ना रही है क्या? ठीक है बाहर आने तो बताता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने शाम को ऐसे चिढ़कर मुझे देखा, तो जब तुमने देखा तो अंदर बेचैनी हो रही थी मेरे, इसलिए मैं पूछने के लिए आया हूँ तुमसे। तो यहीं पर पूछोगी क्या? मैं ऐसा ही हूँ, कहीं पर भी आ जाऊंगा और कुछ भी पूछूंगा। ठीक है, पहले मैं अंदर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ, तुम थोड़ी देर बाहर रुको, फिर आता हूँ। इसी बीच एक अच्छी सी मार के आता हूँ। तुमने ऐसे क्यों देखा ये मैं सुनना चाहूंगा और तुम्हें बोलना होगा। ठीक है। वाह, तुम जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। पर जो मुझे अच्छी तरह समझ पाए ऐसा लड़का कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। देखो ऐसी बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती, तो पीने के बाद मैं सुन लूंगा। वैसे तुम कुछ कह रही थी? आओ आओ आओ। अरे ऐसे दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ ना। हाँ क्या है, क्या कह रही थी इससे पहले? ठीक है सुनो, अब तक तुम मुझे पूछ रहे थे ना कि मुझे तुम पसंद हो या नहीं। जब तुम पुलिस की जीप से उतर रहे थे ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं तुम्हारे पर चढ़ गई। ये देखो मैं बहुत ही कम बातें समझता हूँ, किस तरह पसंद हूँ वो ठीक से बता दो। तुम जो भी मांगो वो सब दे दूँ तुम्हें। जो भी मांगू मतलब चुम्मा मांगूंगा तो दे दोगी? मेरे देने के बाद गुस्सा मत करना। गुस्सा नहीं आया ना? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर और एक दूं क्या? तो यहाँ वहां क्यों, सीधे वहीं पर दे देता हूँ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, पर मेरे अंदर की नसें पूरी तरह खुल गई हैं। अब मैं खुद को रोक नहीं सकता, चला। सर भारी हो गया है। नींबू का रस है क्या? हाँ है, लेकर आती हूँ बेटा। तो बैठ,
अब से तो एक ही ब्रांड पीऊंगा मैं। दो तीन ब्रांड पीने से सर फट जाता है। बेटा क्या है? कल सुबह से तुम बाहर हो, कुछ खाया होगा कि नहीं इसलिए। ये सब क्यों? ताकि मैं तुम्हें अपनी माँ समझूं इसलिए? यार रहना है तो अपनी हद में ही रहो। अपने बाप की शक्ल देख के मैंने तुम्हें अंदर आने दिया, नहीं तो कब का धक्के देकर बाहर निकाल देता। अब जाओ। क्या मुसीबत है ये, सोने भी नहीं मिलता। क्या हुआ, तुम अकेली यहाँ क्यों बैठी हो? क्या हुआ पापा, उससे चिल्लाकर क्यों बात की तूने? अपने बाप को खाना दे रहा है या उसे पाल रहा है तू? 9 महीने कोक में पलने वाला बेटा जब माँ कहकर बुलाता है तब जो खुशी मिलती है वो मुझे नहीं पता है, पर तू उसे रोज माँ कहकर बुलाए इसका वो रोज इंतजार करती है। तेरी किस्मत खराब है, पैदा होता ही अपनी माँ को खा गया, अब अपनी मूर्खता से जो माँ मिले उसे भी खो रहा है। अपने बच्चों को ठीक से संभालने वाली माँ नहीं मिलती है, ऐसे में बेवजह तुम्हारे लिए कोई आंसू बहाने वाला मिलेगा क्या? बताओ। वैसे भी तुम्हें प्यार करने वाले को रुलाना ही तुम्हारा काम है, रुलाते रहो, खूब रुलाओ, देखता हूँ कितने सालों तक रुलाओगे तुम। चल। क्या करूँ मैं इसका, मेरी जान खा रहा है ये बैठा बैठा। तुम रोना बंद करोगी तो मैं थोड़ी देर तुमसे बात करूंगा। मेरी माँ ने मुझे दूध नहीं पिलाया, नहलाया भी नहीं, कपड़े भी नहीं पहनाए, खाना भी नहीं खिलाया, कम से कम प्यार से पास में लेकर प्यार से कभी चूमा भी नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे पैदा होने पर ही मेरी माँ बेचारी मर गई। माँ का स्पर्श क्या होता है वो भी नहीं जानता था मैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं था फिर भी मैं बड़ा तो हो गया। इसलिए शायद माँ क्या होती है मैं जानता नहीं हूँ। माँ तुम एक बात बताओ, भगवान सबके पास तो नहीं जा सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरी माँ को तो वो बचपन में ही ले गया। इसलिए सृष्टि बनाने वाले भगवान को नहीं मानता और अपनी माँ को भी नहीं मानता, और ऐसी मेरी बदनसीब जिंदगी में तुम आई कुछ ही दिन पहले। तुम मेरे पिता के बारे में सोचती हो ऐसा मुझे लगता था, लेकिन कल पता चला कि मेरे बारे में भी सोचती हो, तब मेरे दिमाग में अकल आ गई थी। एक बात बताऊं, एक इंसान को कोई आदत नहीं है मतलब उसके पास वो चीज़ नहीं है, उसी तरह मेरी माँ मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे तुम्हारी आदत नहीं है। बात तो इतनी सी है पर मुझे तुम पे चिल्लाना और तुम्हें रुलाना नहीं चाहिए था माँ। एक बात पर तुमने गौर किया होगा, अब तक अनजाने में मैंने 4-5 बार तुम्हें माँ कह के पुकारा है। देखो आज के बाद मैं ऐसे ही बुलाता रहूंगा। इतना कहने पर भी रो क्यों रही हो माँ? अब चलो आओ। अरे आओ कह रहा हूं ना, आओ। अब से जिंदगी में कभी तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा माँ। देखा माँ, पीने के लिए बस कारण ढूंढते रहते हैं। क्यों पापा आपको खुशी होती है या दुख होता है तो आप रोक नहीं पाते हो क्या? तेरे लिए मैं बदलूं क्या? ठीक है देखो, ये रही मेरी माँ, और जो कॉलेज गई है वो मेरी बहन है। अब आप कौन है वो आपको पता है, मुझे पता है, ये मेरा परिवार है। और यही यही तो मैं चाहता हूँ। अब रोइए मत माँ, इस बाला को बचपन से माँ ही नहीं है ना, इसलिए बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन तेरा इस गांव के सभी लोगों से परिचय कराऊंगा। चला ठीक है बेटा। आज मैं खुशी में पीऊंगा। इंदुमता ये मेरी माँ है। अच्छा चाचा, बचपन से मेरी माँ नहीं है ऐसा कहते थे ना, ये देखो मेरी माँ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ भाई ठीक है। भाई मेरी माँ है। हाँ दादाजी। हाँ मेरी माँ। जीते रहो। वो देखो ए मरम्मा। हाँ मेरी माँ है ये। ए गांव में सबको बता दे कि ये बाला की माँ है। अरे ठीक है तू जा, मैं सबको बता दूंगा। मुझे यहाँ क्यों लाया है बेटा, घर चलते हैं ना। एक और इंसान से तुम्हें मिलाना है माँ। ये क्या, वो क्यों नहीं आई, कॉलेज गई है क्या? क्या कह रहा है बेटा? माँ जिससे मिलाना है वो तो नहीं है, बाद में परिचय कराता हूँ। ठीक है चलो। चलो।
क्यों चाचा ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? क्या हुआ? सुबह मेरी बेटी कॉलेज गई थी, अभी तक आई नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा। आपकी भी बेटी नहीं आई क्या? हमारी बेटी ही नहीं, इस गांव की कोई भी लड़की नहीं आई है। ये क्या, कोई भी नहीं आया? ठीक है चाचा, आप अंदर जाइए, मैं देखता हूँ। चाचा, चिंतलपुरी की लड़की को बस में आते हुए देखा क्या? पता नहीं बेटा। ए भाई बोलो, चिंतलपुरी की लड़की को बस में चढ़ते देखा? पता नहीं भाई। चल भाई, भाई चिंतलपुरी की लड़की बस में चढ़ी क्या? नहीं देखा बाबू। भाई चिंतलपुरी कॉलेज जाने वाली लड़की को बस में चढ़ते देखा? बता। सुबह से यहीं पर होते हो ना, कैसे नहीं देखा? अरे मुझे नहीं पता, चल जा। बेटा इतना परेशान क्यों हो? हमारे गांव की लड़कियां अब तक लौटी नहीं। कौन? वो चिंतलपुरी जाने वाली लड़कियां? हाँ गुरुजी, आपको कैसे पता? एक मिनट, शक हो रहा था इसलिए मैंने निकाल लिया। चिंतलपुरी वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है पीछे, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, लिफ्ट चाहिए तो बैठ जाओ। चले क्या? हाँ ठीक है, चलते हैं। गुरुजी एक मिनट, मैं अभी आता हूँ, जरा एक बार दीजिए और मुझे पेन दीजिए। जहां तक मैं जानता हूँ इस दुनिया में फोन को फोन की तरह इस्तेमाल करने वाले आप ही हैं। मैं चलता हूँ। पारोते बिल भरता हूँ, आज तू भरेगा। हेलो, रोज मैं शर्त जीतता हूँ इसलिए तू बिल भरता है, वरना मैं नहीं भरता क्या? हाँ शर्त के पैसे से मैं दारू पीता हूँ, मैं शर्त के पैसे कैसे दे पाऊंगा? हाँ अच्छा? और आज मैं जीतूंगा। हेलो बिल्डर, मत दे पहले शर्त लगा। हाँ ठीक है, आज कुछ भी हो जाए शर्त लगा के जीतना ही होगा, कोई नजर नहीं आ रहा यार। इतना मामला अंदर जाने के बाद भी सब कुछ ठीक है, इस पे ही शर्त लगाता हूँ। हे यहाँ, वहाँ पे उस आदमी को देख, मुंह साफ करा उसको देख, तुझे उसे हंसाना होगा। बस इतना सा ही ना? ए अगर मैंने गाना गाया ना तो लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे, तू अभी देख मैं अभी क्या करता हूँ। ए दड़ियल, हेलो, नशा शराब में होता तू ना चित्ती बोतल, अरे नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, बोला बोला, नशे में कौन नहीं है
मुझे बता। वैसे मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह पर जल रहा है और तू मुझे और जला रहा है। अबे मैं किस हालत में बैठा हूँ और तू गाना कौन सा गा रहा है? भाई 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 पी रखी है ना तो थोड़ा सा जरा बैठ गया। पीने वाले को ऐसे मारते नहीं। आप आओ ना, बैठो ना, बैठो, आप बैठो, बैठो आराम से। क्या पियोगे? पियो ना, लो ले लो, पियो 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 पियो। तो चुप करना। अब बोलो भाई, क्या तकलीफ है आपको? हमारे गांव की लड़कियां कॉलेज से अब तक घर नहीं आई। जिस लड़की को मैं चाहता हूं वो भी उनमें से एक है। क्या हुआ होगा ये सोचकर मुझे बहुत चिंता हो रही है भाई। ये देखो, ये गाड़ी का नंबर लेकर पागलों की तरह रास्ते पर घूम रहा हूं मैं। अरे ये तो अपना रमेश का नंबर है ना। उसी का है। भाई तुम उसे जानते हो क्या? हाँ, मैं इसे पहले वही बैच के साथ घूमता था ना, सुधारने के लिए उसमें से बाहर आके शादी करके बिगड़ गया। शादी के बारे में किसने पूछा तुझसे? कहाँ मिलेगा बता? गांव के बाहर वाटर टैंक के बगल के शेड में मिलेंगे। ए, अगर अपनी कहानी बताने की कोशिश करेगा ना तो बहुत मार खाएगा। दिमाग में डाल ले। कहानी बताने को मना किया था ना। हाँ, पर वो फिसल के। रोने गाने से कुछ नहीं होगा। आज के बाद वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। लोग फिक्र मत करो, बाला आ चुका है। एक एक की हड्डी पसली एक कर दूंगा। इसे देखकर लड़कियां खुश हो गईं। मतलब ये इनका जानने वाला है। मतलब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा साफ कर ही लेते हैं। ए, जरा संभाल तो इसे। हाँ, संभालो मत, मैं संभाल लूंगा। आ जाओ। चाहिए क्या? एक एक को मार दूंगा। इसे क्यों फेंक रहा है? इधर ला।
उसी ऑटो में आ रहे हैं। चलो उतरो उतरो। आ गई। कुछ नहीं चाचा, गांव के बाहर बस रुक गई थी ना तो उन्हें ले आया। मेरी बेटी को कुछ होता तो मैं मर जाता। चाचा, इस गांव में मेरा शब्द नहीं होता, हमारा शब्द होता है। ठीक है चाचा, बहुत देर हो गई है, जाके सो जाओ। चलो जाओ। रुको, क्या हुआ तुम्हें? अगर तुम आज वहाँ पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। देखो, तुम्हारे बिना एक घंटा रहना भी मुश्किल है, तो ऐसी हालत में इतने घंटे तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ, बोलो ना। ए, 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 रुक जा, ऐसे चुम्मा दे रही हो तो अंदर बहुत कुछ हो रहा है, अगर बाद में कुछ हुआ तो मेरी गलती नहीं है। एक बार गलती होने के बाद अगर वो दोबारा की जाए तो गलत नहीं होता। तो फिर रुकना और रोकना मुझसे नहीं होगा। भाई साहब, पंडित जी ने जब आपके बारे में बताया तो बहुत खुशी हुई, इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है हमें। देखिए लड़की आ गई। लड़की ने पढ़ाई कहाँ तक की है? डिग्री तक पढ़ाई की है इसने। उनको दो बेटी। लड़की बहुत कुशल है, इसकी माँ ने इसे बहुत अच्छी तरह पाला पोसा है, बहुत अच्छी लड़की है। पंडित जी को तो यही है क्या जो रिश्ता देखने आया है? हमारी बेटी खाना भी बहुत बढ़िया बनाती है। ये क्या, आपके घर में दिन में भी मच्छर घूमते हैं? सिर्फ आपके घर में है या फिर पूरे गांव में इस तरह से घूमते हैं? ये तो लड़की इतनी सुंदर है इसलिए मैं यहाँ इतनी देर तक बैठा रहा, वरना शूज निकालने से पहले ही मैं यहाँ से चला जाता। क्यों पापा? सही कह रहे हो, वैसे भी लड़की तो ये। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो करना बात। यहाँ पर नहीं, अकेले में। ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, चलो देखते हैं क्या कहता है ये। बोल भाई क्या बात है? आजा लाडले बताता हूँ। ओहो, कहाँ से हो? हैदराबाद से। ये बात करने के लिए यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? ए, वहाँ पर क्या क्या बोल रहा था? वहाँ मारता तो बहुत रोता, इसलिए यहाँ लाके मार रहा हूँ। वैसे शादी के बाद हमारी लड़की तेरे घर पे आएगी तो तू हमारे पास नहीं आएगा ना, तो तुझे इस घर से क्या काम है? एक चीज बताता हूँ, याद रखना, हम जिस लड़की से शादी करते हैं उसे यहाँ पर रखना है या यहाँ पर रखना है, सिर्फ इतना दिमाग में रखना चाहिए। बाकी किसी चीज की फिक्र करेगा तो तू गया, पूरा काम से चला जाएगा। ए, इस गांव का एक ही राजा है, उस राजा के घर पे आके किस तरह बर्ताव करना है पता नहीं है तुझे? मर्यादा, मर्यादा सीख ले। चल, थोड़ा मुस्कुरा। पापा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, अगर आपको पसंद आया तो हाँ कर दीजिए ना। चलिए पापा, अब चलते हैं। इसे क्या हो गया? हम चलते हैं। नमस्ते। बहुत बढ़िया जी, ठीक है, चलते। बहुत बढ़िया। क्या कह दिया तूने उससे? आया तो ऐसे था, गया तो ऐसे है। जिसको जैसे समझाना चाहिए वैसे मैंने उसको समझा दिया। हाँ, पापा। हाँ, हाँ, समझ गया। पार्वती। ये क्या, ये तो रो रही है। ओए, रो क्यों रही है, क्या हुआ? अरे बोलो। आज ही के दिन मेरे पिता की मौत हुई थी।
ये क्या, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो गांव गए, ऐसा कहा था तुमने? तुम्हें देखते ही तुम मुझे पसंद आ गए थे। अपना दुख बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें अपने पिता की मौत के बारे में नहीं बताया, अभी भी नहीं बताना चाहती थी। पर ये बातें सुनने वाला और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा चुप हो जाओ, हमारे दुखी होने से जाने वाले आते थोड़ी हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। जब तक माता पिता होते हैं हर लड़की हिम्मत से जीती है, और अगर वो नहीं होते तो हर दिन डर डर के जीना पड़ता है। अच्छा देखो, तुम बहुत दुखी हो, बहुत डरी हुई हो, इसलिए मैं तुम्हें पास रखे दिलासा नहीं दूंगा। तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, ये सब बोलना मुझे नहीं आता, पर एक चीज मैं बोल सकता हूँ, दुखी होकर अपने पिता को अपने से अलग मत करो, दुख को छुपा लो, अपने पिता को भी छुपा लो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हिम्मत से रहो। मैं अब तक जी रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, आगे जियूंगी तो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे तो और क्यों रो रही हो, चलो पास आओ, आओ आओ ना। मैं किसी और मूड में आ गया था, तुमने मुझे किसी और मूड में ला दिया। अरे बाला, हाँ हम दोनों को उस पहाड़ पर बैठकर पिए हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन तू रात में दिखता ही नहीं है, कहाँ रहता है? अरे पीना आदमी के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, उससे अच्छा कुछ और करना चाहिए। अच्छा फिर कर क्या रहा है तू? इतनी जल्दी क्या है, बताता हूँ बात ठीक है। वैसे आज पिए क्या? हाँ ठीक है ना, मेरी माँ को सांप ने काट लिया भैया, पर? वहाँ पर है। माजी माजी उठिए, उठो ना माँ, माँ आंखें खोलो ना माँ, माजी उठिए माजी, माँ। जब तक माता पिता होते हैं हर लड़की हिम्मत से जीती है, और अगर वो नहीं होते तो हर दिन डर डर के जीना पड़ता है। माँ माँ उठो ना माँ, माँ माँ आंखें खोलो ना माँ, माँ 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 उठ जाओ ना माँ, माँ। बेटा डरो मत, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया। ए, तू कहाँ आ रहा है? वहीं पर है। अच्छा ठीक है। चाची चाची क्या हुआ रे? चाची चाचा जी हैं क्या? क्यों? गाड़ी चाहिए चाची। वो गाड़ी लेकर बाहर गए हैं। चाचा चाचा क्या हुआ बेटा? चाचा गाड़ी है क्या? मेरा बेटा तो कॉलेज गया है। दामू, चाचा, चाचा, क्या हुआ भैया? पापा है क्या? नहीं है, बाहर गए हुए हैं। कोई भी नहीं है घर पे। चंदू, ए चंदू, चंदू आ रहा हूँ यार, क्या हुआ बोल? अरे थोड़ी देर के लिए तेरी कार देते, बगल में एक औरत को सांप ने काट लिया। अरे शाम को मुझे जाना है यार, फालतू के झमेले में मत फंसा मुझे। अरे तुझे तो शाम को जाना है ना, एक घंटे में आ जाऊंगा, वहाँ पर एक जान जा रही है यार। अगर उसकी जान मेरी कार में चली गई तो मैं तो फालतू में फंसूंगा ना। अरे जान जाएगी ऐसा क्यों सोच रहा है तू? मैं कार मांग रहा हूँ ना जान बचाने के लिए। देख यार मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, मुझे माफ कर दे। अरे चंदू, अरे चंदू, एक नंबर का कमीना है तू। ए, ए ट्रैक्टर रोक, क्यों? रोक ट्रैक्टर, चल नीचे उतर। अरे लेकिन मुझे खेत में जाना है। अरे बाद में जा, चल नीचे उतर, चल।
डॉक्टर साहब आइए। लगता है रास्ते में ही इनकी मौत हो गई। अरे बाला क्या कर रहा है तू? अरे क्या हुआ? क्या हुआ क्या? तेरी तो अरे वो मर गई, तेरी वजह से मर गई नालायक। अगर उसे पहले ही अस्पताल ले जाते तो उसकी जान बच जाती। जाने वाली चली गई लेकिन इसके बाद एक भी जान जाने नहीं दूंगा। चला तेरी कार की चाबी दे। नहीं देगा तेरी तो बता, देगा कि मार खाएगा? सकते हैं क्या? जल्दी आइए। क्या? हाँ हाँ चलो 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 भाई चलो। अरे चलो तो देखते हैं क्या कर रहा है। हाँ हाँ चलो चलो। अब से हमारे गांव की यही एम्बुलेंस है, यही है सर्विस वैन। हमारे गांव में एक औरत सांप के काटने से मर गई। वो काटने वाले सांप की गलती या मरने वाले की गलती नहीं है। समय से हॉस्पिटल ले जाने के लिए सहूलियत हमारे गाँव में नहीं है, इसलिए है ये एम्बुलेंस। आज के बाद इस गाँव में एक भी जान नहीं जानी चाहिए। मैंने तेरी आमदनी को तेरी जिंदगी को तुझसे छीन लिया, ये सोचकर बुरा मत मान। पूरे गांव के लोग मिलकर महीने की 15,000 आमदनी देंगे। इस गांव के लिए काम कर, अब से जिंदगी बचाना ही तेरी जिंदगी है, समझा? और इससे महान काम तुझे कहां मिलने वाला है? ए, याद रखना, इस भूलोक से जाकर वापस ना आने वाली एक ही चीज है और वो है जान। जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। चल रहे सर, आपने मुझे बुलाया? वो क्या है कि कल हमारे घर में फंक्शन है, तो बताओ क्या क्या रखना अच्छा होगा। सर तो और क्या बोलूं तुम्हें, 74 लोगों को मरे हुए 3 महीने हो गए, अब तक तुमने एक भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की, आखिर तुम कर क्या रहे हो? सर उन्होंने 1 या 2 लोगों को नहीं मारा है, पूरे 74 को मारा है। सारे काम उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ किया है सर, मतलब वो पकड़े ना जाए ऐसा फुल प्रूफ प्लान किया है सर, इसीलिए सर इतना टाइम लग रहा है। अगर ये कोई शहर या टाउन होता तो कम से कम सीसीटीवी फुटेज से कुछ पता चल जाता, इसीलिए सर उन्होंने विलेजर्स को टारगेट किया है। विलेजर्स आजकल शरीर पे सोना पहनते हैं, इसलिए पॉसिबल है कि वो लोग फिर से किसी दूसरे विलेज को टारगेट करेंगे सर, इसलिए उनसे पहले मैंने विलेज को टारगेट कर लिया है सर। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, इस बार पक्का हाथ लग जाएंगे सर।
क्या हुआ रे? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा जैसे पीछे से कोई आ रहा है। गलती करने वाले हर एक गुनहगार को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई देख रहा है। तेरी गलती नहीं है, अभी तू नया नया है ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तुझे। हम यह काले करने वाले हैं ना, कुछ दिन रुकते हैं। यह गांव कैसा है, कितनी दीवारें हैं यहाँ, सब पता करके एक अंदाजा आने दे, तभी काम पूरा करेंगे। और तब तक हमें सावधानी से रहना होगा। बोला था ना मैंने हमारे पीछे से कोई आ रहा है, देखो किसी ने हमको मारा है। अबे रात को ज्यादा पी के अपना सर दीवार से टक्कर खुद मारा होगा, अगर तुझे मारा होता तो हमें पता नहीं चलता क्या? डर बहुत खतरनाक चीज होती है, उससे पीछा छुड़ा ले सब ठीक हो जाएगा। डर नहीं भाई, कोई तो पक्का आया है रात में। पापा, पापा, क्या है ये? इसे हटा कर देख। पापा, बुलेट। तेरी माँ ने अपनी चूड़ियां गिरवी रखकर इसे खरीदा है। माँ, इतना बड़ा प्यार मैं सह नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा कम कर दो माँ। ठीक है, अब खरीद ही लिया है तो घुमाऊंगा, जम के घुमाऊंगा। कितना खुश है ना? नई गाड़ी है ना, भगवान के पास जाके इसकी पूजा करवा दे। अब भगवान के पास नहीं जाना है मुझे, तो फिर के पास। जाके तैयार हो जाओ, मैं अभी आता हूं। लगता है अभी नहा कर आई हो। पार्वती, थोड़ा प्याज ज्यादा डालकर एक बढ़िया सा ऑमलेट बना कर लेके आओ ना, तब तक मैं शुरू करता हूं। जा ऑमलेट कहाँ है? अब से ये दारू बीड़ी सब छोड़ दो। छोड़ दूँ? क्या कह रही हो, समझ में आ रहा है तुम्हें? अब ये सब नया क्या है? नया क्या है, तुम्हें मेरी आदत होनी चाहिए और मुझे सिर्फ तुम्हारी, तो फिर हम दोनों के बीच में इन सब चीजों का क्या काम? पता था तुम्हें ये बदलाव आ गया है, ये मुझे पहले से ही पता था, अब आ गया है। वैसे भी तुम औरत हो ना, अच्छे से क्यों रहोगी, ऐसे ही रहोगी। वैसे क्या होता है तुम औरतों को, शुरुआत में तो बहुत अच्छे से रहती हो, लेकिन 3-4 महीने गुजर जाने के बाद क्या होता है तुमको? अब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने का सोचा है, अगर तुम्हें थोड़ा बदलना चाहूँ तो इसमें गलत क्या है? अरे चुप रहो, मुझसे प्यार करने वाला प्यार मुझे चाहिए, लेकिन तुम जैसे चाहती हो वैसा कभी प्यार नहीं होने वाला। वैसे शुरुआत में तो तुम बहुत ही अच्छी थी ना, मुझे पीने को दिया, ऑमलेट देख के चुम्मा भी दिया, आखिर में सब आदमी जिस कुएं में गिरते हैं उसमें मुझे भी धकेल दिया। अगर सुधारने की कोशिश करूं तो भी गलत है? ओहो, तो पीने वाला अच्छा आदमी नहीं होता, बीड़ी पीने वाला अच्छा आदमी नहीं होता, केवल तुम्हारी बातें सुनने वाला ही अच्छा आदमी होता है। देखो वैसे आदमी कहीं और मिल जाएंगे, जाके देख लो। मैं अपनी तरह ही रहूंगा, वैसे भी ये बाला उसकी आदतें छुड़ाने वाली लड़की से बात क्यों करेगा, जाओ। सुनो तो, आज भी ये पलंग टूटेगा सोचा था, लेकिन मेरा दिल टूट गया। ओए मनम्मा, ओए। अरे कौन है? इधर आ बे, ए अबे दौड़ के आना। अरे आता हूँ। हर चीज में जल्दबाजी करता है तू,
क्या बात है इतनी रात को? मिल नहीं रहा है, साथ में मिलकर पी नहीं रहा है, ऐसा कहकर मेरा सर खा रहा था ना। अब से तेरे लिए मैं, मेरे लिए तू। तू भी शादी नहीं करेगा, मैं भी शादी नहीं करूंगा, दोनों मिलकर ही रहेंगे। अरे बदलाव इंसान में ही आता है, तुझ में भी आ रहा है क्या? अबे रो मत, अब चल बैठ। बैठता हूं। चल गाड़ी बढ़ा। अरे संभाल के। क्यों बे मनम्मा, बचपन से इसे संभाल के उसे संभाल के ऐसा कहता है, पर औरतों से संभाल के ऐसा तो कोई भी मूर्ख नहीं बोलता है। अरे भाई वो हमसे भी बड़े मूर्ख होते होंगे तो फिर हमें कैसे बताएंगे। शादी तक तो सिर झुका कर और उसके बाद जिंदगी भर सिर उठाकर वो जीती हैं, और शादी तक सर उठा के उसके बाद जिंदगी भर सिर झुकाकर हम जीते हैं। ये कैसा जीना है यार? तो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। देख उसे बताना चाहिए जिसे समझ में नहीं आता, समझ में आने वालों को बताया तो घिन आएगी। ये भी है। अरे बाला, ए बाला क्या है रे? कोई भागते हुए जा रहा है। चाची। बाला क्या हुआ? चाची तुम्हारे चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं दवाई लेने जा रही थी लेकिन कोई मेरा पीछा कर रहा है। ठीक है चाची, तुम डरो मत। ए मनम्मा, हाँ। चाची को घर पे छोड़ के आ जा, चल जा। ठीक है। अरे जल्दी आ जा, आ जा, आ जा, बैठ जाओ चाची। क्या है कि एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है, वो इसी तरफ आ रहा था, मैं जान बचाकर यहां पर आया हूं भाई। ये क्या भाई, आपने अपने आदमी को मारा? किसी की वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा ये पता चलते ही मैं उसे मार देता हूं। ये जहां गिरा है इसे वहीं गाड़ दो। ये काम जितना आसान सोचा था उतना नहीं है। अब हम कल से ही अपना काम शुरू करेंगे। जनसंख्या की जानकारी के लिए आए, आपके घर में कितने लोग रहते हैं?
हम जनगणना विभाग से आए हैं। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओह, तुम जहाँ भी चाहो आ जा सकते हो, तो मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? क्या कह रही हो? मेरा बाप देख लेगा तो मेरी खबर लेगा। चलो सीधे चली आई अंदर। ए, चलो। क्या कर रहे हो तुम? हाँ क्या है बोलो? मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए तुम? जुदा हो गया ना, तो अब क्यों मिलूं? मुझे छोड़ दिया क्या तुमने? हाँ तो फिर ये छोड़ दो वो छोड़ दो ऐसा कह के मेरे सर पे बैठ रही थी। औरत जब तक कुछ मांगे नहीं तब तक आदमी को वो अच्छी लगती है, लेकिन मांगना शुरू कर दिया तो अंदर से बहुत चिढ़ होती है। हाँ हाँ, जब तक तुम्हारी जरूरत थी तब तक तो मेरे पास खुशी खुशी आ रहे थे, और मैंने कुछ मांग लिया तो मुझे छोड़ने की सोच रहे हो? ए, पीना छोड़ दो कहने पर मैं बाप को छोड़ दूंगा तो तू क्या है? तुम ऐसे ही हो बाला, मुझे पता है तुम्हारा मन करेगा तो आओगे वरना नहीं आओगे, पर मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो बाला। अरे क्यों यहाँ पर रुकी हो, जाओ यहाँ से। तुम जब जब आए हो मैंने सब कुछ दिया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो? क्या बात कर रही हो तुम, जाओ यहाँ से, निकलो। ये क्या चाचा के घर पे इतने सारे लोग क्यों आ गए? देखिए मेरे बेटे की वजह से अगर तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी शादी कहीं और करवा दीजिए। ऐसे फालतू विचार मत कीजिए कि मैं उसे अपने घर में ले जाऊंगा। 5 लाख रुपए दूंगा मैं आपको, शादी करवा दीजिए और बचे हुए पैसों को फिक्स डिपॉजिट में डलवा दीजिएगा। हर महीने कुछ न कुछ पैसे आते ही रहेंगे ना, फायदा ही है। पर अगर हाँ तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो फिर मेरे आदमी ये पूरा इलाका जला देंगे। अच्छा, वैसे मेरे बेटे ने अगर क्या कहते हैं वो उसे सेफ्टी, हाँ अगर सेफ्टी इस्तेमाल की होती तो मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अबे तेरी तो। आप क्यों उठ रहे सर, आप बैठ जाइए। बेचारा गलती तो इस बेचारे ने की है ना। वैसे सर सेफ्टी रखे बिना इसे पैदा करने से पहले अगर आपने सोचा होता तो यहाँ तक आने की नौबत नहीं आती ना सर। अच्छा तो और लोग हैं? रुक जाओ, ठीक है, मुझ पे गुस्सा है लेकिन इस यजमान पर बहुत प्यार है। खुद पे जिसको भरोसा है वो बाहर आ जाओ, लड़ते हैं चलो। वो क्या है ना, चाचा ने बहुत ही मेहनत से इस घर को बनाया है,
अगर इस घर को कुछ हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगा, इसलिए थोड़ा बाहर जाके लड़ते हैं। ए आजा, चल आजा। खरीदा ताकि मैं मार सकूं, तू मार सके इसलिए नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो सर, उन्हें तो अब ले ही जाना होगा। सर मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए। सीने पर मारूंगा तो सहने वाली उम्र नहीं है आपकी, वैसे ही यहां पर चोट लगे तो सहने वाली उम्र नहीं है इनकी। ऐसे में क्यों इनके साथ खेल रहे हो सर? उसने इस पर भरोसा किया इसलिए अपने आपको इसे सौंप दिया, समझ में नहीं आया ना? फिर से कहता हूं, उसने इस पर भरोसा किया इसलिए उसने खुद को सौंप दिया। ऐसे में आप क्यों गलत सही देख रहे हो सर? मुझे पता है कि यह लड़का इस लड़की से बहुत प्यार करता है। क्यों रे, देख लिया ना, बात को समझ के इन दोनों की शादी करवा दो, वरना मुझे फिर से आपसे मिलना पड़ेगा। और कैसे मिलूंगा ये तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा। चलता हूँ सर, चाचा चलता हूँ, चलता हूँ। सर सर, अब तक मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया सर, मैं गुस्से में जो मन में आया वो बोल देता हूँ सर, एक बार याद करो ना सर। सीने पे मारूं तो? अरे आपके बारे में नहीं सर, इन दोनों के बारे में कुछ कहा था सर। उसने उस पे भरोसा किया था इसलिए तो उसने खुद को सौंप दिया था। आपको समझ में आ गया ना सर, मेरे भी समझ में आ गया। नमस्ते सर, चलता हूँ।
इतना बड़ा गधा हूँ। मेरी पार्वती मुझसे कितना प्यार करती है इसलिए उसने खुद को मुझे सौंप दिया और मैं अपने फालतू शौक के लिए उसे छोड़ रहा हूँ। छी, तुझे शर्म नहीं आती बाला? फिर से प्यार करना होगा उससे। इसका कम नहीं हुआ है। ए, चल पीछे बैठ। अरे ओए, क्या ये भाव खा रही है? गलती मेरी है, ये जानकारी मैं खुद आया हूं यहां। अब क्या गुस्सा जाना चाहिए, बस इतना ही ना? हाँ चलो मारो। और एक मार लो। अब कम हुआ गुस्सा? मारा ना, काम हो गया। अच्छा, मैंने एक मारा था इसलिए कम नहीं होगा। तुम दो मारोगी तो ही कम होगा। वैसे अब चल के क्यों जा रही हो? बस में जा सकती हो ना? मैं ऐसी ही हूँ, जब गुस्से में होती हूँ तो कुछ भी नहीं सोचती, बस ऐसे ही चलती रहती हूँ। वो तो है, तुम गुस्से में बस या ट्रेन में क्यों चढ़ोगी, बल्कि मुझ पे गुस्सा उतारोगी। अब चलो, अब जिंदगी भर पीऊंगा नहीं तुम्हारी कसम, बहुत हंस लिया, चलो बैठो। तुम औरतों को जो चाहिए वो करके ही रहती हो क्या? मामूली नहीं होती हो तुम लोग। अगर फिर कभी तुमने पीना तब बताऊंगी तुम्हें। ठीक है तो मैं चलूं? अंदर नहीं आओगे क्या? किस लिए? आज मेरा जन्मदिन है। वैसे तो आने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब जरूर आऊंगा। Yes, go! पार्वती, पार्वती, ये क्या है? ये मैंने पहले ही खरीदा था, अब काम आ रहा है। ऐसा क्या है इसमें? वो जब से मैं जवान हुआ हूँ तो रात को वीडियो देखने की आदत लग गई है ना, उसमें लड़कियां बहुत अच्छे से तैयार होती है पता है, तो ऐसे कपड़ों में तुम कैसे लगोगी ये देखना है मुझे। और कितने दिन रुकना है? हाँ जी, हमें इस गांव की पूरी जानकारी मिल जाएगी। कल एक दिन सबको जिंदा रहने देते हैं, परसों रविवार है, वही इस गांव का आखिरी दिन होगा। उस दिन रात को जब सभी लोग खा पी कर आराम से सो रहे होंगे तो हम लोग जाकर एक एक को खच्चा खच्चा काट कर मार डालेंगे। तेरा नाम क्या है? वेंकट है सर। कितने सालों से रह रहा है यहाँ पे? यहीं पे पले बड़े हैं। ठीक है जा। वैसे रामकृष्ण, हमेशा तुम ही नजर आते हो, तुम्हारे एसआई कहाँ पे हैं? एसआई लीव पर है सर। ऐसा क्यों? उनकी बीवी के साथ उनका तलाक हो गया है ना, इसलिए। ओह, द मोस्ट हैप्पीएस्ट मैन है ना? वो सभी पकड़े जाएंगे, इस बात का भरोसा दिन ब दिन कम होता जा रहा है सर। देखो रामकृष्णा, तुम्हारी आमदनी कम है ना, इसलिए भरोसा भी थोड़ा कम है। मेरी आमदनी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए भरोसा भी थोड़ा ज्यादा है। उन्होंने गलती की है ना तो पकड़े भी जरूर जाएंगे। वैसे भी बातों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा दूसरे गाँव में छानबीन करते हैं। चलो गाड़ी निकालो। ठीक है सर। अरे आप अचानक, आइए आइए, अंदर आइए। माँ, पापा, आइए आइए, बैठिए ना। माँ, आइए आइए, पापा बैठो। माँ जी, हाँ नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते। आओ पापा। क्या बात है संदीप जी, लड़की को देखने आए हुए बहुत दिन हो गए, आपकी तरफ से कोई संदेशा ही नहीं आया। मैंने इसे बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें दिखाई लेकिन ये किसी भी तस्वीर को नहीं देखता है, ठीक से ये सो भी नहीं पा रहा है। बाप हूं ना, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता, इसीलिए इसे यहाँ लेकर आया। हमें भी लड़का बहुत पसंद आया है लेकिन आपने कुछ ज्यादा दहेज मांग लिया। अरे तो। उस वक्त मेरे बेटे में बहुत ज्यादा घमंड था लेकिन आपके बेटे ने सब उतार दिया। देखिए, दहेज के लिए मैं अपने बेटे को बेच नहीं सकता, शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। हाँ बस आप हाँ कह दें, मेरे लिए काफी होगा। ठीक है जी, अच्छा दिन देख के पंडित जी को लेकर हम आपके घर आ जाएंगे मुहूर्त रखने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि आप मान गए। अच्छा जी चलते हैं, चलो बेटा। एक मिनट रुकिए, अभी हमारे घर का लड़का हो गया है, आप जाइए,
पूरा गांव अच्छे से दिखा के रात को बढ़िया से खरीदारी करवा के घर पे भिजवा दूंगा। वो ऐसे ही कर। ठीक है पापा, आप जाइए। ठीक है, चलते हैं जी। चलो जीजू, आज रात में एक बढ़िया सा ढाबा है, धमाल करते अच्छा, हैं। इतना ऊंचा है क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बारोदे, बारोदे, तुम्हें कितना भी समझाओ कोई फायदा नहीं। मैं फिर से नहीं पीऊंगा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। बारोदे रुक जाओ, रुको ना। बारोदे, बारोदे खोलो दरवाजा। खोला ही है क्या? बाप रे, ये कितना रो रही है। अब जरा रोना बंद करोगी क्या? अरे मैंने कोई बहुत बड़ा महापाप कर दिया क्या जो तुम इतना रो रही हो? मुझे धोखा दिया है, उतना काफी नहीं है क्या? धोखा देना मतलब धूम्रपान करना और पीना नहीं होता है, बल्कि तुम्हारे होते हुए दूसरी लड़कियों के साथ घूमना होता है। जब ये कर दिया है तो वो करने में कितना टाइम लगेगा तुम्हें? अगर एक मारूंगा तो थोबड़ा टूट जाएगा, जो हुआ नहीं है वो हो जाएगा, सोचकर मुझसे झगड़ा मत करो। पता नहीं क्यों, पर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दोगे तुम। अरे ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे लिए मैं बहुत पागल हूँ मेरी जान। इसलिए मेरी कसम खाने के बाद भी तुमने आज शराब पीना, मतलब मेरी पीठ पीछे तुम कुछ भी करोगे? अरे कसम खाने से अगर कोई मरता तो हमारे देश की आबादी इतनी नहीं होती, समझी? कसम मतलब भरोसा होता है, और अगर वो भरोसा टूट गया तो इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। बाप रे बाप रे, अब क्या चाहिए? शादी करनी है बस, यही ना। कल सुबह ही हमारी शादी होगी। भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है तो फिर किसी और तरह से तुमसे कहूं। कल सुबह ही हमारी शादी होगी, ठीक है ना? इतने के लिए रो रही हूं। एक मिनट बाला। क्या है? मैं अंदर नहीं आ सकती। क्यों? अरे समझा करो ना। ओ ऐसा क्या? ठीक है, सब जिस भगवान को मानते हैं वो वहां है, तुम जिस भगवान को मानती हो वो यहाँ है, जगह से क्या फर्क पड़ता है, यहीं पर कर लेते हैं। मंदिर है, ठीक है चलो। आओ, यही है मेरा घर। मामूली खातिरदारी नहीं होगी, जोरों की खातिरदारी होगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ पापा, पापा सुबह सुबह क्या कर रहे हो? ऐसा लग रहा है पीने ही बैठे हो। क्यों शोर कर रहा है? पापा ये देखिए मेरी बीवी, आपको पहले ही बताया होता तो अच्छा दिन मुहूर्त दहेज ये सब बातें करते, इसलिए शादी करके ले आ गया। पति के रूप में मेरा जितना ख्याल रखेगी, बहू बनके हमारे घर का भी उतना ही ख्याल रखेगी, वैसे भी मेरे लिए इतना ही बहुत है। तुम आओ। रुको, अरे क्या बोल रहा है? अरे मार क्यों रहा है? रात को अकेले अकेले बैठ के पी ली तूने? अरे मेरे लिए बचाइए, अकेले अकेले बैठ के पत्नी के चक्कर में नशा कर रहा है, समस्या क्या है आपको? अरे मारो। अरे कुछ नहीं माँ जी, ये मुझसे ये बता रहा है कि ये शादी करके यहाँ आया, लड़की इसे दिखाई दे रही है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। क्या बात कर रहे हो, ज्यादा चढ़ गई है क्या? वो देखो वहीं पे कहाँ है, वो दिखा मुझे। जीजू सच में यहाँ कोई नहीं है क्या? सच में कोई नहीं है, कल रात को भी कोई है ऐसा कह के भाग गए थे, क्या हो गया है तुम्हें? नहीं जीजू यहीं पर थी, लेके तो ऐसा क्या बोल रहे हो तुम? अरे क्या जीजू, मेरे पापा तो पिया कड़े हैं, लेकिन आप तो होश में है ना, कहाँ से चली गई होगी? अरे पार्वती, पार्वती कहाँ हो तुम? पार्वती, ए मनम्मा। अरे क्या हुआ बाला? पार्वती मिल नहीं रही है यार। पार्वती कौन है?
तीन महीने से घुमा रहा हूँ, देखी नहीं क्या तुझे? अरे तीन महीने से तू किसके साथ घूम रहा है मुझे क्या पता है? पूछूंगा तो तू गुस्सा करेगा, इसलिए नहीं पूछा। मुझे लगता था कि तुझे किसी भूत ने पकड़ लिया है। ए, तू क्या बात कर रहा है? अगर पता है तो पता है ऐसा बोल, वरना पता नहीं है ऐसा बोल। अरे पार्वती, घर को क्या हो गया? पार्वती कहां पर चली गई? ये बता रहा है कि ये शादी करके यहाँ है। लड़की इसे दिखाई दे रही है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सच में कोई नहीं है? कल रात को भी कोई है ऐसा कह के भाग गए थे, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे लगता था कि तुझे किसी भूत ने पकड़ लिया है। क्या हो रहा है मेरे साथ भगवान? मेरी पार्वती, क्या हुआ इसे? चलते चलते रुक गया। अरे चलना यार। बाप रे, लगता है भूतनी आ गई। तुम अगर डरोगे तो मैं भूत जैसी ही दिखूंगी। अगर प्यार करने वाली लड़की की तरह देखोगे तब मैं तुम्हें पसंद आऊंगी। देखता हूँ, थोड़ा अच्छी तरह देखो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, देखता हूँ, सीना फट जाएगा। अच्छा ही था। तुम कौन हो? मेरे पीछे ही क्यों पड़ी हो? सिर्फ मुझे क्यों दिखाई दे रही हो? मेरी कुछ समझ में आया ऐसा कहो।
पापा कॉफी। बेटी पार्वती थोड़ा इधर आओ, एक बार इस लड़के को देखो। क्यों बेटी, लड़का पसंद आया ना? तो फिर कल मैं खुद उसके गांव जाके उनकी स्थिति को देख के अगर पसंद आया तो उनसे रिश्ते की बात कर लूं, ठीक है ना? ठीक है पापा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप क्या करेंगे? रुकना, अंदर जाकर देखते। अरे ध्यान से। ए, कौन हो तुम लोग? यार, इसके बदन पे सोना नहीं है और ना ही घर में है। सोना होता तो भी नहीं छोड़ते, नहीं मिला तो भी नहीं छोड़ा, जिंदा छोड़ देते तो हमें तकलीफ होती। गांव में है, आज रात को गांव के सभी लोगों को मारने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारे गांव वालों को मार दिया इसलिए, या मेरे गांव वालों को मार देंगे इसलिए नहीं। मैंने प्यार किया है तुमसे, तुम्हें मार दिया, इसलिए मैं उन कमीनों को मार दूंगा। तुम्हें किस तरह उन्होंने मारा यह मैंने नहीं देखा, लेकिन उन्हें मैं किस तरह मारूंगा तुम पास से देखना। चलो।
सब कहाँ चले गए? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। हे, क्या हो गया? बाकी लोग कहाँ हैं? हे तूने ही किया था क्या? मैंने किया और मारा भी मैंने ही। इन्हें क्यों मारा? तुम जिस चोरों के ग्रुप को ढूंढ रहे हो वो यही है, इसलिए मार दिया। तो पुलिस को बताना चाहिए ना, खुद ही मार डालेगा। अरशदीप, अच्छा किया तो ऐसा करोगे? किसी को समझ में नहीं आता। रात को जो तुमने कहानी बताई मुझे बहुत ही गुस्सा आया और उन कमीनों को मैंने बुरी तरह मार दिया। मैंने तो बहुत ही अच्छा ही किया, पर ये इन्हें समझना चाहिए ना। देखते हैं क्या होता है। इसका दिमाग थोड़ा ढीला है लगता है कि नहीं? हाँ? आ गई क्या? मुझे लगा था नहीं आओगी। मैं कितना चिंतित था पता है तुम्हें? ये सब देख के तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। हो क्या गया? मैं कुछ भी करके बाहर आ जाऊंगा। अरे रो क्यों रही हो? मैं कह रहा हूँ ना, बाहर आ जाऊंगा। क्या देख रहा है तू? तुझसे नहीं, जा। हर एक को हमारे बारे में जानना है, मैं हूं ना। सर क्या हुआ? ये बहुत टेढ़ा लगता है सर, किसी से बात कर रहा है पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी चिंता छोड़ो रामकृष्ण, कोर्ट में सबमिट करो उसे। ठीक है सर। योर ऑनर, कोटी नाम का ये अपराधी, इसने चिंतन पौड़ी नाम के गांव में परसों रात को 15 लोगों का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया, इसलिए मैं ये। सर थोड़ा रुकेंगे क्या? बाला नाम की अपराधी ने, अरे ये कैसी भाषा है सर, थोड़ा ध्यान से तो बोलिए। हम गांव वाले बहुत अच्छे से बात करते हैं और आप मुकदमा लड़ रहे हो, पर मेरे लिए लड़ने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए मेरा मुकदमा मैं खुद ही उनको बताऊंगा। सर आप जरा बैठ जाइए। तुम बोलो। सर मैंने जिन 15 लोगों को मारा है उन्होंने पुल्लूर नाम के गांव में 74 लोगों को बुरी तरह मार दिया, बच्चों को दीवार पर पटक कर मारा है, औरतों को उनके कपड़े निकाल निकाल कर मारा है, इसलिए जैसा उन्होंने कहा परसों रात को मैंने उन्हें मार दिया। ठीक है, उन 15 लोगों ने सबको मारा ये तुम कैसे कह सकते हो? सर वही अपराधी हैं और उसके लिए मेरे पास एक गवाह है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती और ना ही सुनाई देती है। अब कैसे बताऊं सर? कैसे कैसे कैसे? हाँ सर, उन 72 मरने वाले लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आपके पास होगी ही ना सर? उनमें एक एक को कैसे मारा है वो मैं बताता हूँ। उसमें वैसे ही लिखा होगा कि नहीं वो देख लीजिए सर।
ए, वहां पे बैठी क्यों है? इधर आ। तुझे कैसे मारा था बता, तुझे कैसे मारा था वो बता। मेरे गले पर चाकू रख के उसे काट दिया था सर। उसमें पार्वती नाम की लड़की की रिपोर्ट देखी है सर। उस लड़की को ऐसे चाकू रखकर काट दिया था सर। उसमें ऐसा ही लिखा है कि नहीं देखिए सर। तुम्हारे पिता को कैसे मारा था, तुम्हारे पिता को कैसे मारा था बताओ। मेरे पापा का मुंह बंद करके पेट में चाकू मार कर उनकी हत्या कर दी सर। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? श्रीनिवास राव सर। उसमें श्रीनिवास राव नाम की रिपोर्ट देखी है सर। उसे तो मुंह बंद करके चाकू मार मार के काट दिया था। विचित्र केस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना तो कभी सुना और ना ही देखा, और इसीलिए मैं क्या बोलूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ गया सर, मैंने जो कुछ भी कहा है तो मैं भी उन चोरों में से एक हूं ऐसा आप सोच रहे हो ना। पर यहां पर बात यह है कि आप जैसा सोच रहे हैं कि उन 15 लोगों के साथ यह कहानी बंद हो जाएगी तो मैं उसी दिन उन्हें पकड़वा देता सर। पर इन सबसे बड़ा और एक कमीना यहाँ पर है सर, और वो आप सभी को पता चलना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ सर। सर गांव वाले हैं फिर भी कभी कभी जरूरत पड़ने पर हम भी फोन इस्तेमाल करते हैं सर। आपको जो भी प्रूफ चाहिए वो इसमें है। कोर्ट में सबके सामने एक पुलिस अधिकारी को मारना अपराध है, पर वो अपराध एक बड़े गुनहगार को मारने के लिए किया गया है। इसीलिए ये अदालत इसे इतना बड़ा अपराध नहीं मानती है और इसे 7 साल की साधारण सजा देती है। अरे वाह, तुम यहीं पर हो। क्यों कोर्ट के बाद तुम 7 साल मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखी? जिस काम के लिए आई थी वो काम तो हो गया ना। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ? मुझे जाने के लिए तुम्हें भी साथ ले जाना होगा ना। क्यों, चलोगे क्या? ओ नहीं, रहने दो, तुम भी मत जाओ और मुझे भी मत ले जाओ, हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। आओ, आजा आजा। पलंग मजबूत है क्या? हमेशा एक ही बात। और क्या है करने के लिए? ये लो बेटा, चावल लो बढ़िया से, सब्जी लो और खूब अच्छे से खाओ बेटा। हाँ? पापा हाँ? कितनी बार बोलूं, इसे भी थाली दिया करो। थाली किसे? इसको पापा, दो ना पापा। तेरी माँ कसम, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पापा मुझे तो दिख रही है ना। ठीक है तुम खाओ, मेरे पापा खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। चावल दूं क्या, सब्जी भी देता हूँ। दो ना पापा। क्या करूँ मैं इसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खाओ खाओ, कोई भी नहीं है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगेगा। सच में यहाँ कोई भी नहीं है। ठीक है बेटा, तुम दोनों मियाँ बीवी अच्छी तरह से खाओ। खाओ।
अच्छा खाओ, मैं खिलाऊं? इस सुवर्णा की पूजा कुछ ज्यादा ही हो गई है, मेरा काम बढ़ गया है। ये अंदर क्या हो रहा है? देखो तो। ये पार्वती, मेरी किस्मत ही खराब हो। क्या करूं मैं इसका? मेरी समझ में नहीं आ रहा है रे मेरी किस्मत।